हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक लेक्चर को फिनिश किया था, दैट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और इसका आज ये सेकंड लेक्चर है। और इस सेकंड लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वास्कुलर के बारे में, दैट इज ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ब्लड वेसल्स में आने से पहले यहाँ पर एक चीज आपको बताएंगे कि आप अगर चैनल में नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और अपना फीडबैक दीजिए हमको किस टाइप की और कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स को समझने से पहले यहाँ पर एक शब्द समझेंगे, दैट इज वास्कुलर। वास्कुलर का मतलब यहाँ पर ये होता है जिसमें कह सकती हैं कि एओर्टा, आर्टरीज, आर्टियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स और वेना कावा, ये सभी एक साथ मिला दिए जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, वास्कुलर। ठीक है ना। और ये दो टाइप होता है, एक फर्स्ट यहाँ पर होता है आर्टियल सिस्टम और सेकंड होता है वेनस सिस्टम। तो आर्टियल जो सिस्टम होता है तो ये एओर्टा, आर्टरीज और आर्टियोल से मिलकर के बनता है, जबकि जो वेनस होता है तो ये वेन्यूल्स, कैपिलरीज, वेन्स और वेना कावा, इन सभी से मिलकर के बनता है। आर्टियल्स की अगर हम बात करेंगे तो इसका ल्यूमेन का जो डायमीटर है और थिकनेस, ये दोनों कैसी होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, जबकि यहाँ पर अगर हम वेनस की बात करेंगे तो इसका जो ल्यूमेन डायमीटर होता है और वॉल ऑफ द थिकनेस, ये भी अलग अलग पाई जाती है। क्लियर। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट ब्लड वेसल्स है, मतलब कि इसका जो डिफरेंट डायमेंशन है और डिफरेंट जो ब्लड वेसल्स है वो कैसे प्रेजेंट है। तो फर्स्ट अगर हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है, सेकंड बात करेंगे यहाँ पर इसके डायमीटर के बारे में, थर्ड बात करेंगे थिकनेस के बारे में, देन इसके बाद इलास्टिक, स्मूथ और फाइबर, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एओर्टा जो होता है ये 25 mm का पाया जाता है, जबकि इसकी थिकनेस 2 mm की होती है और इसमें इलास्टिक मात्रा जो होती है काफी ज्यादा रहती है। ठीक है, स्मूथ मसल्स लेस होती है लेकिन फाइबरस भी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ऐसे ही यहाँ पर आर्टरीज है, आर्टियोल्स है और ये टर्मिनल आर्टियोल्स है, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स और वेना कावा, इन सभी के आप डायमीटर देख सकते हैं कितनी कितनी पाई जाती है। जैसे आर्टियोल्स की बात करेंगे 30 है, ठीक है ना, और वेना कावा की बात करेंगे इसकी भी 30, लेकिन ये माइक्रोन में यहाँ पर प्रेजेंट है और ये एमएम में प्रेजेंट है। ऐसे ही इसकी यहाँ पर थिकनेस भी बताई गई है, इसको भी आप एक बार रीड आउट करिएगा अलग अलग वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर थोड़ी सी ये बताया गया है ये कौन कौन से टिश्यू है, ये टिश्यू की याद रख लीजिएगा, कौन सा टिश्यू किसमें ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, किसमें एबसेंट होता है, किसमें मॉडरेट रहता है, किसमें लेस रहता है। क्लियर। तो ये यहाँ पर हमने मेंशन किया है, इसको पॉज करके जरूर पढ़ लीजिएगा, काफी थोड़ी सी डीप है बट माइंड में रखना जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं। चलिए आगे समझते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी इसका हम हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर। हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर अगर ब्लड वेसल्स की देखेंगे तो ये तीन लेयर होती है। फर्स्ट है यहाँ पर ट्यूनिका एडवेंटिशिया, सेकंड है ट्यूनिका मीडिया, थर्ड है ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका एडवेंटिशिया को हम एक्सटर्ना भी कहते हैं जो कि आउटर लेयर होती है, ट्यूनिका मीडिया को मिडिल लेयर बोलते हैं और ट्यूनिका इंटीमा को हम इनर लेयर बोलते हैं। ठीक है, आप इससे समझिए ये एक तरह कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसको जूम आउट किया गया तो ये जो बाहर वाली आपको लेयर नजर आ रही है दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, मिडिल वाली जो लेयर आपको ये नजर आ रही है दैट इज ट्यूनिका मीडिया, और इनर वाली जो लेयर नजर आ रही है दैट इज ट्यूनिका इंटीमा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि ट्यूनिका जो इंटीमा होती है तो ये एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, ट्यूनिका जो मीडिया होती है स्मूथ मसल से मिलकर बनती है, ट्यूनिका जो इंटीमा होती है ये इंडोथेलियल सेल्स, ये कह सकते हैं कि इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन से मिलकर ये बनी होती है। सेम यहाँ पर भी हमने मेंशन किया है कि ये वेसा वेसरोम है, ये नर्व की सप्लाई है। ठीक ना, बाहर वाली ट्यूनिका एडवेंटिशिया है जिसमें यहाँ प्रेजेंट होती है, ट्यूनिका इंटीमा जो होती है एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन और स्मूथ मसल से मिलकर बनती है। ठीक है, ट्यूनिका मीडिया जो होती है इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन और
लेमिना प्रोपिया, जिसको हम स्मूथ मसल्स या कि कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। इसी में प्रेजेंट होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन और अंदर वाली प्रेजेंट होती है इंडोथेलियम। क्लियर, इतना समझ गए। अब थोड़ी सी यहाँ पर इसको हम थोड़ी सी इसका हम डिटेल्स यहाँ पर समझते हैं कि टूनिका एडवेंटिशिया जो होती है, तो ये कह सकते हैं कि आउटर लेयर होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर ये बनी होती है। यह लेयर पैराइटल पेरिकार्डियम से कंटिन्यू लगी रहती है। ठीक है, ट्यूनिका मीडिया की बात करेंगे तो एक तरह की मिडिल लेयर होती है जो कि स्मूथ मसल्स मिलकर के बनती है। ठीक है, ट्यूनिका इंटीमा की अगर बात करेंगे तो यह एक तरह की इनर लेयर होती है जो कि इंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है, और यह लेयर हार्ड की इंडोकार्डियम से कंटिन्यू लगी रहती है। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही लेक्चर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है ना, और सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।